हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पी बाई पी और पी ई बी में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ग्रुप फोर असिस्टेंट ग्रेड थ्री स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 31 जुलाई 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसके पहले हमने इसके 6 पार्टों पर डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उन 6 पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने उन वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से सीधे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ये आज हमारा 7वां पार्ट है जो कि हमारा अंतिम पार्ट है। तो हम पुनः स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के 17 क्वेश्चन को, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसने भारत की ओर से अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सैयद मुश्ताक अली, सेकंड ऑप्शन है चंदू बोर्डे, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र हिरवानी और फोर्थ ऑप्शन है विजय हजारे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत की ओर से अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर नरेंद्र हिरवानी का है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 16 विकेट ये इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लिए थे। साथ ही साथ पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि वर्ष 2018 में उस टाइम पर मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री कौन थे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंतरिम सिंह आर्य, सेकंड ऑप्शन है नारंद सिंह कुशवाहा, थर्ड ऑप्शन है भूपेंद्र सिंह और फोर्थ ऑप्शन है रामपाल सिंह। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उस टाइम पर मध्य प्रदेश शासन के होम मिनिस्टर अर्थात गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह थे। इनकी विधानसभा खुरई थी। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोक आयुक्त कौन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल, सेकंड ऑप्शन है न्यायमूर्ति एम एल तहलियानी, थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति नबल किशोर अग्रवाल और फोर्थ ऑप्शन है न्यायमूर्ति एन के गुप्ता। दोस्तों, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में लोक आयुक्त भी जस्टिस एन के गुप्ता हैं। पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, और हमारा चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2017 के भारतीय ज्ञानपीठ से किसे सम्मानित किया गया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा सोबती, सेकंड ऑप्शन है रघुवीर चौधरी, थर्ड ऑप्शन है चंद्रशेखर कंबार और फोर्थ ऑप्शन है राबुरी भारद्वाज। दोस्तों, आपको याद रखना है कि वर्ष 2017 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम कृष्णा सोबती था। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जनवरी 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अचल कुमार जोटी, सेकंड ऑप्शन है नसीम जैदी, थर्ड ऑप्शन है ओम प्रकाश रावत और फोर्थ ऑप्शन है अशोक लवासा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जनवरी 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश रावत है। और हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1984, सेकंड ऑप्शन है 1978, थर्ड ऑप्शन है 1988 और फोर्थ ऑप्शन है 1978। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी, यह 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मेथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुई एक त्रासदी थी जिसमें हजारों लोगों की तादाद में व्यक्तियों की मौत हुई थी। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जबलपुर, सेकंड ऑप्शन है ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन है इंदौर और फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। दोस्तों, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जबकि इसकी एक खंडपीठ इंदौर में भी स्थित है। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा आठवां क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क अर्थात राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य खालिस्तान प्रदान करना है। स्कूलों में इंटरनेट सुविधाएं, आभासी कक्षाएं अर्थात वर्चुअल क्लासरूम, थर्ड ऑप्शन है बुनियादी सुविधाएं अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर और फोर्थ ऑप्शन है लाइब्रेरीज इन अ विलेज अर्थात गांव में पुस्तकालय।
दोस्तों आपको याद रखना है कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क का प्रमुख उद्देश्य वर्चुअल क्लासरूम अर्थात आभासी कक्षाएं प्रदान करना है। बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर और हमारा नौवां क्वेश्चन है, उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर को निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बसाया गया था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य, सेकंड ऑप्शन है कलचुरी, थर्ड ऑप्शन है चंदेल और फोर्थ ऑप्शन है गुप्त। दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर को राजा चंदेलों द्वारा बसाया गया था। बढ़ते हैं दसवें क्वेश्चन की ओर और हमारा दसवां क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में पांडुरंग सलगावकर किस कारण से सुर्खियों में थे? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट टीम में चयनकर्ताओं के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। सेकंड ऑप्शन है एक क्रिकेट आयोजन स्पोर्ट्स इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना। थर्ड ऑप्शन है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कथित तौर पर पिच फिक्सिंग और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट टीम में उनका चयन होना। दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ष 2017 में पांडुरंग एक दिवसीय क्रिकेट अर्थात वनडे क्रिकेट मैच में कथित तौर पर पिच फिक्सिंग के कारण सुर्खियों में थी। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने वर्ष 2017 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित कौन सी प्रमुख चैंपियनशिप जीती? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विश्व शतरंज चैंपियनशिप अर्थात वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, सेकंड ऑप्शन है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप अर्थात वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, थर्ड ऑप्शन है एशियन चेस चैंपियनशिप अर्थात एसीआई शतरंज चैंपियनशिप और फोर्थ ऑप्शन है क्लासिकल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अर्थात क्लासिकल विश्व शतरंज चैंपियनशिप। दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने रियाद सऊदी अरब में वर्ल्ड रैपिड चेस अर्थात विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीता था। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गंगा आरती, सेकंड ऑप्शन है अमरनाथ यात्रा, थर्ड ऑप्शन है सबरीमाला तीर्थ यात्रा और फोर्थ ऑप्शन है कुंभ मेला। दोस्तों आपको याद रखना है कि मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ मेले को उस टाइम यूनेस्को ने अपनी धरोहर में जोड़ा था। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खजान मौजूद है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सलीमनाबाद, सेकंड ऑप्शन है मलाजखंड, थर्ड ऑप्शन है पन्ना और फोर्थ ऑप्शन है राजगढ़। दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के सलीमनाबाद में निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खदान मौजूद है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मलाजखंड में एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है जो कि बालाघाट में स्थित है। वहीं पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना में स्थित मजगबा खदान से हीरा निकाला जाता है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है, संदीपनी आश्रम जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? पहला सिवनी, सेकंड धार, थर्ड उज्जैन और फोर्थ चित्रकूट। दोस्तों आपको याद रखना है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्राप्त की थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि महाकालेश्वर की नगरी या महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन को ही कहा जाता है, महाकाल की नगरी। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन अर्चना चिटनिस, सेकंड ऑप्शन उमाशंकर गुप्ता, थर्ड ऑप्शन रुस्तम सिंह और फोर्थ ऑप्शन पारस चंद्र जैन। दोस्तों आपको याद रखना है कि 2018 में मध्य प्रदेश शासन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह थे। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? हु इज द वाइस चांसलर ऑफ मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी? फर्स्ट ऑप्शन प्रोफेसर एसएस पांडे, सेकंड ऑप्शन प्रोफेसर संगीता शुक्ला, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर डॉक्टर रविंद्र कुमार कान्हेरे थे जो कि मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर और हमारा अंतिम क्वेश्चन है,
12 वर्षों तक श्रवण बेल गोला स्थित बाहुबली का महामस्तक का अभिषेक खल स्थान को संपन्न हुआ। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जनवरी 2018, सेकंड क्वेश्चन अप्रैल 2018, थर्ड ऑप्शन फरवरी 2018 और फोर्थ ऑप्शन मार्च 2018। दोस्तों आपको याद रखना है कि 12 वर्ष बाद श्रवण बेल गोला स्थित बाहुबली का महामस्तकाभिषेक फरवरी 2018 को संपन्न हुआ। दोस्तों इस प्रकार ये हमारे जनरल नॉलेज के ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जनरल नॉलेज के पूरे क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। दोस्तों इस 7 पार्ट के बाद मैं अब एक दिन कंप्यूटर जी के तथा अगले दिन जनरल मैथ्स को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।